अभी हम हैं कटर नाला पे, कटर नाला से पार हो रहे हैं। देख सकते हैं कि ये है हमारा बागी बलिया, वीरों का देश, जवानों की धरती कहा जाता है इसको। चंद्रशेखर नगर जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पे बना है, ये देखिए क्या खूबसूरत शहर है ये हमारी बलिया। जो सिटी का ये हाल है, जो शहर शहर में ये हाल है, यहाँ पे देखिए बस देख के जाइए, ये खूबसूरती आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो ध्यान से देख के जाइए, ऊपर से आगे होते ही इतनी खूबसूरत नज़ारा जो आपको देखने को मिल रहा है वो शायद ही हमको देखिए। वाह क्या बात है, देखिए ध्यान से देखते रहिए। और यहाँ पे यही आजू बाजू में ही कुछ मंत्री और विधायकों का नाम है जो कि आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोगों को आदत हो गई है। ये देखिए इस गड्ढे में जब तक हम लोग एक बार उछलेंगे नहीं तब तक हमारा खाना नहीं पचेगा। ये अब हम पहुंचने वाले हैं धरमपुर। यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप है, काफ़ी अच्छी जगह है, पेट्रोल पंप भी है। ओहो, ये गाड़ी आ रही है इधर से। अभी थोड़ी देर बाद देखिए, अब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक आपको ये एक साइड में रमरेखा घाट और दूसरे साइड में कौन सा उजियार घाट देखने को मिलेगा आपको। देख रहे हैं ये आगे, देखिए क्या बात है, दिल खुश हो जाता है ऐसी सड़कों को देखकर। आराम से भाई, देखिए क्या अच्छी जगह है, इतनी अच्छी जगह है कि अब हम क्या बताएं इसको, कोई क्या बोलते हैं उसको, पर्यटन स्थल घोषित कर देना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे सागरपाली आए हैं और यहाँ का ये देखिए सीवरेज लाइन है, इतनी खूबसूरत इंडिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी इसी सीवरेज लाइन नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे पे देखिए क्या बात है, आते जाते हम लोग इसमें स्विमिंग पूल का भी मजा लेते हैं कभी कभी। और ये हमारे फेफड़ा विधानसभा में आने वाला क्षेत्र, माननीय उपेंद्र तिवारी जी के अंदर में आने वाला ये क्षेत्र है। और देख सकते हैं कि बहुत ही कोई त्रुटि नहीं है, दिल खोल के विकास किया गया है। देखिए क्या बात है, लगभग 10 वर्षों से हम बलिया जा रहे हैं, चितवाड़ा गाँव से बलिया का सफर कर रहे हैं और तब से हमको ये ऐसा ही देखने को मिला है। और ऐसा मैंने कभी इस सड़क पे रोलर चलते नहीं देखा है। देखिए आगे ये ट्रक ट्रक जा रहा है, धूल धूल, हमको पाउडर लगाने का भी काम नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक गोरा बना देता है, बाल को कलर करके सफ़ेद कर देता है। देखिए क्या बात है, बहुत बहुत सही, आराम से भाई आराम से। अभी देखिए आगे, देखिए बहुत ही हम क्या कहें, अब हमारे पास कुछ शब्द नहीं है, इतनी खूबसूरती को बयां नहीं कर सकते, बस आप देखिए देखते जाइए, शब्द ही नहीं है, क्या बोले कि लोग खूबसूरती का दर्शन करते हुए बलियांस तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, खूबसूरती दिख रही है, बलिया है ये बलिया, नाम लेने में भी गर्व हो रहा है कि क्या बात है, हम बलिया में आए हुए हैं भाई। देखो ये जो ट्रक वाले भाई साहब, देखिए इसके हिसाब से, और क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए हमारा फेफड़ा विधानसभा है और ये फेफड़ा विधानसभा और फेफड़ा जंक्शन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे तक देखेंगे तो घना कोहरा पड़ा हुआ है इधर, बस यही रोड पे ही पड़ेगा दिखेगा, इधर आपको नहीं दिखेगा। देखिए तो रोड पे ही घना कोहरा दिखने को मिलेगा और ये जंक्शन भी है यहाँ पे काफ़ी अच्छा। तो अब हम क्या बताएं, देखिए कितना बताएं, कितना दिखाएं हम ये खूबसूरती आपको, हर 10 मीटर पे आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती यहाँ से। फिर भी हम अपने क्षमता के अनुसार आपको खूबसूरती दिखा रहे हैं और उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो भाई जी अब हम अपने चितवाड़ा गांव क्षेत्र में प्रवेश करते हुए, जो कि माननीय उपेंद्र तिवारी जी का क्षेत्र कहा जाता है और पिछले 10 वर्षों से मंत्री के रूप में कार्यरत है माननीय उपेंद्र तिवारी जी, उनके अंडर में ये क्षेत्र आता है। हालांकि आता तो पूरा पटना विधानसभा है, लेकिन विशेष तौर पर ये इनका आवास हम कह सकते हैं, इनका घर, जो घर होता है ये रहने वाला, तो ये उनका घर है। और मैं आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। 10 वर्षों से हम देख रहे हैं, उससे पहले तो काफ़ी हम छोटे यहाँ रहते नहीं थे। 10 वर्षों से अभी तक का अनुभव हमारा एकदम, मतलब समझ लीजिए कि ऐसा ही है, खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती इस नेशनल हाईवे 31, मतलब 31 की जो ये सड़क है। और यह है हमारे टोंस नदी के नाम से जानने वाली नदी है, जिस पे पुल बना हुआ है, आप देख लीजिए पुल का प्रवेश ही इतना अच्छा है। आगे क्या हम बताएंगे, खूबसूरती देखते रहिए बस, आप मज़े लेते रहिए। और ये हम अपने क्षेत्र को दिखाए हैं, किसी के बारे में, किसी के चरित्र पर हम कुछ दाग वगैरह नहीं लगा रहे हैं,
अब ये हमारा क्षेत्र है और ये यहाँ के माननीय उपेंद्र तिवारी जी मंत्री हैं। और यहाँ से अब सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे, यहाँ से और उनके जो मुख्य कार्यालय है, मान लीजिए कि बीजेपी कार्यालय माननीय उपेंद्र तिवारी जी का, वहाँ तक का सफ़र हम आपको पूरा बिना वीडियो को कट किए हुए दिखाएंगे। देखिए क्या बात है, यहाँ पर घना कोहरा, आगे देखिए कितना घना कोहरा है। बस रोड पे ही हम बताएं, जैसे कि रोड पे ही दिखेगा आपको घना कोहरा, और कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए इधर कितना साफ है, यहाँ पे देखिए घना कोहरा। ये कौन सी गाड़ी है, हुंडई का वरना गाड़ी लेके जाते हुए साहब, इनको पता होना चाहिए कि ऐसी सड़कों पे जगुआर और मसलीज और BMW चलाना चाहिए। ये देखिए देखिए क्या बात है, क्या बात है, इतनी अच्छी सड़क है, आप कृपया धीरे चले। वाह क्या बात है, देखिए बस देख रहे हम कुछ कर नहीं पाएंगे अब, क्योंकि पहले से ही हम बहुत ज़्यादा इसके बारे इसकी खूबसूरती के बारे में बता चुके हैं आपको। और एक सवाल हम पूछेंगे ज़रूर आप लोगों से, हो सकता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी देख रहे हैं, किस आधार पर हम वोट देंगे और किस आधार पर हम टैक्स पे करेंगे, कर वसूली की जाती है, किस आधार पर हम कर देंगे सरकार को, जब हमारे आने जाने का मार्ग ही इतना अच्छा है। ये देखिए हमारे माननीय उपेंद्र तिवारी जी का यहाँ पे कभी कार्यालय बना हुआ था, और इसके आगे ही आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रोड है।